हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के 30 जून के बाद परीक्षाएं कराने के आदेश के बाद लगातार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बची हुई परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की जा रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी से न्यूज है, इस बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, आज की जो न्यूज है ये DDO गोरखपुर के स्टूडेंट्स के लिए विश्वविद्यालय की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर की तरफ से आपकी परीक्षाओं के लिए ऑफिशियल एग्जाम स्कीम जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, DDO गोरखपुर की जो परीक्षाएं हैं वो 7 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसके लिए मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि इसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी ऑफिशियल एग्जाम स्कीम भी जारी कर दी गई है। 7 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, लेकिन पूर्वी यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच में विश्वविद्यालय परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। ये छात्रों के जीवन के साथ एक टाइप से खिलवाड़ होगा, ये कह रहा है समाजवादी छात्र सभा के छात्र नेता शिव शंकर गौड़ का। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को बची हुई परीक्षाएं निरस्त करने की मांग को लेकर समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने टाउन हॉल पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान DM के जरिए राज्यपाल को 4 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया। इसमें दीपक निषाद, राहुल यादव, अमन शुक्ला, शुभम गौड़, मोहित यादव, अनिकेत रमन, अमन कुमार सिंह मौजूद रहे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे, उत्तर प्रदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से लगातार परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही उग्र होता जा रहा है कि स्टूडेंट्स ऐसे कोरोना काल में, ऐसी महामारी के काल में परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, बट फिर भी स्टेट गवर्नमेंट अपने निर्णय को चेंज नहीं कर पा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।